कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में, अभी जो रिपोर्ट आई है मेरे पास, उस पिछले 24 घंटे में 13,500 केसेस हो गए हैं। ये रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में, और रिपोर्ट में और काफ़ी सारा डेटा होता है तो थोड़ी देर बाद रिलीज़ होगी रिपोर्ट। 13,500 केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नवंबर में जो पीक आई थी उसमें 8,500 केस थे, उसके मुकाबले 13,500 केसेस ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। इस बार जो वेव है, बहुत, हम सब जानते हैं, बहुत खतरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा। अभी हमारे पास जो डेटा, पिछले 10-15 दिन का डेटा है, वो ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग, जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं, उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं। तो मैं सभी यूथ से अपील करना चाहूँगा, एक तो आप हमारे लिए, आप देश के लिए बहुत कीमती हैं, हमारे युवा देश के लिए बहुत कीमती हैं, आप लोग अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं, आपकी ज़िंदगी, आपकी, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको, आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अपने पति की, पत्नी की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है, आपको घर से निकलना पड़ता है उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, आपको घर से निकलना पड़ता है अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। लेकिन जब घर से निकलें, एक तो तभी निकलें जब ज़रूरी हो, और दूसरा घर से जब निकलें तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, उसकी बड़ी कठिनाई, बड़ी कड़ाई के साथ आपको उसको फॉलो करना है, मास्क पहन के रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और दूसरा, अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो तुरंत जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है, और सरकारी अस्पतालों के अन को हमने, कई सारे अस्पतालों को 24 घंटे हम लोगों ने खोला हुआ है। तो युवाओं से खास कर मेरी अपील है, बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और अभी CBSE के एग्ज़ाम आने वाले हैं, 6 लाख बच्चे दिल्ली में CBSE के एग्ज़ाम में बैठेंगे, 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका, या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था, कई देशों ने, जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएं। पिछले कुछ दिनों से, और ख़ासकर कल, हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर, जैसा मैंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, हमारा पूरा प्रयास है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काबू में रहे। तो कल बड़े स्तर के ऊपर हमने बहुत बड़ी प्लानिंग की, सभी ऑफिसर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने बैठ के, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को अटैच कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर 100 बेड हैं और उसके साथ हमने एक बैंक्वेट हॉल अटैच कर दिया, उस बैंक्वेट हॉल में भी 100 बेड हैं, तो जो थोड़े से कम मरीज, कम बीमारी वाले मरीज होंगे, उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। अगर किसी को केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन तो हम बगल में, जैसे LNJP के सामने एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल के अंदर अगर ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर देंगे, तो ऑक्सीजन की अगर केवल किसी को ज़रूरत है तो वो बैंक्वेट हॉल में भी उसका इलाज हो सकता है। तो इस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम बेड्स की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को, सरकारी भी और प्राइवेट भी,
कुछ हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने 100% कोविड डिक्लेयर किया है। मैं इस बारे में मैं सबकी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, सबसे सहयोग की अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी हॉस्पिटल वाले, सभी के मैनेजमेंट और सभी लोग इसमें हमारी मदद करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि जो दूसरी नॉन कोविड बीमारियाँ हैं, अभी भी दिल्ली में केवल ये 14 नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन दिल्ली में अगर किसी जो प्लान्ड सर्जरीज हैं अपनी, जैसे मान लीजिए किसी को नी रिप्लेसमेंट कराना है, किसी को ये महीना 2 महीना 3 महीना डिले हो सकते हैं। जो इमरजेंसीज होंगी दिल्ली में, उसके लिए अभी भी सफिशेंट कैपेसिटी है अपने पास नॉन कोविड बीमारियों के लिए, कई सारे अस्पताल अभी भी हैं। लेकिन जो प्लान्ड सर्जरीज हैं वो ज़्यादा होती हैं, इमरजेंसीज कम होती हैं, वो अब हम थोड़ा सा डिले कर लें। दूसरी चीज, इस टाइम जैसा मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होगा कि हम अपनी अस्पताल की मैनेजमेंट को कितना कड़ाई के साथ हम इसको ठीक कर रख पाते हैं। अगर हमने हॉस्पिटल्स की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट को ठीक कर लिया, तो हम इस वेव को बहुत आसानी के से बहुत अच्छे से हम इसको पार पा पा रहे पाएंगे। तो हमने एक और एक्सरसाइज कल से शुरू की है कि एक एक पेशेंट जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, उनको ये देखा जा रहा है कि अगर ये हॉस्पिटल डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं कि अगर वो पेशेंट घर में ट्रीट हो सकता है, तो उस पेशेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अस्पताल का बेड खाली कर दीजिए, आपका घर चले जाइए। घर पे हम घर पे जब आपको भेज रहे हैं तो अपना पल्ला नहीं झाड़ रहे, हाथ नहीं झाड़ रहे, हम घर के ऊपर अंदर भी आप जब घर जाएंगे आपकी हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे डॉक्टर्स आपको लगातार फ़ोन करते रहेंगे। आप जब घर जाएंगे आपको ऑक्सीमीटर देके भेजेंगे। अगर आपकी घर में बीमारी जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो वापस आपको हॉस्पिटल ले आएंगे। तो हॉस्पिटल में, प्राइवेट में भी और डॉक्टर सरकारी में भी हम डॉक्टर्स की टीम्स, वहीं लोकल डॉक्टर्स की टीम्स एनालाइज कर रही हैं हर हॉस्पिटल की, कि अगर आपको बेड की ज़रूरत नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप घर जाके अपना इलाज करा लीजिए, या बगल के बैंक्वेट हॉल में, या वो दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाइए। इसमें मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक उनके साथ कॉपरेट करें, उसमें ज़िद्द ना करें, बिकॉज़ हमें पूरी दिल्ली को संभालना है। हमारे लिए हर जान कीमती है, आपकी जान भी कीमती है, इनकी जान भी कीमती है, इनकी जान भी कीमती है, सबकी जान अपने को इस टाइम बचानी है, सबके स्वास्थ्य की चिंता करनी है। एक दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, पिछली बार जब कोरोना हुआ था आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के प्लाज्मा डोनेट किया था। पिछले 3-4 महीने कोरोना का प्रकोप कम हो गया था, लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना बंद कर दिया, प्लाज्मा की डिमांड भी बहुत कम हो गई। अभी स्टॉक में प्लाज्मा बहुत कम है और डेली प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में बीमार हुए और ठीक हो गए हैं, तो आप प्लीज़ आप LNJP में, राजीव गांधी में और ILBS में जाके आप प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि आपके प्लाज्मा से दूसरे लोगों को बचाया जा सके। यही टाइम है जब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपना स्वार्थ छोड़ के, चाहे पड़ोसी की मदद है, चाहे दिल्ली में किसी और की मदद है, चाहे देश में किसी की मदद है, हम सब लोग अगर मिल के एक परिवार की तरह, मैं बार बार कहता हूँ ना कि दिल्ली वाले हम सब एक परिवार हैं, अगर हम एक परिवार की तरह काम करेंगे, तो हमने जैसे 3 वेव पिछले 1 साल में 3 वेव का मुकाबला किया था, ये चौथी वेव का मुकाबला भी हम सक्सेसफुली कर लेंगे। नमस्कार।